ऐश्वर्या राय बच्चन को प्लास्टिक कहने की इमरान हाशमी को बहुत बड़ी सजा मिली है। इमरान अपने कॉन्ट्रोवर्शियल बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। कॉफी विद करण में इमरान ने ऐश्वर्या को प्लास्टिक कह दिया था। इमरान ने खुलासा किया है कि अपने इस कमेंट के चलते उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। इमरान इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज शो टाइम को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। इस वेब सीरीज के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान से पूछा गया क्या सीरीज में उनका किरदार वैसा ही होगा जैसा वो कॉफी विद करण के उस एपिसोड में थे। बॉलीवुड बबल को जवाब देते हुए इमरान ने कहा, मैं यहाँ एक फिक्शनल किरदार निभा रहा हूँ जो किसी भी चीज को कुछ भी कह सकता है। कॉफी विद करण के बारे में बात करूं, जिसके बारे में मुझसे पूछा जा रहा है, तो वहां अपनी बात कहने की वजह से काफी लंबे समय तक मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको पता है कि जब वो रैपिड फायर राउंड हुआ, करण ने शॉट को कट कर दिया था और सेट पर चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखा। हर कोई उस समय हैरान रह गया था। उन्होंने अपनी टीम से पूछा कि क्या हम इमरान के इस जवाब को रख सकते हैं, और कैमरे के पीछे खड़े कुछ लोगों ने कहा हाँ। कॉफी विद करण में रैपिड फायर राउंड के दौरान करण जौहर ने इमरान हाशमी से उस एक्टर का नाम बताने के लिए कहा था जो करण के बताए शब्द को सुनते ही उनके दिमाग में आता है। जैसे ही करण ने कहा प्लास्टिक, इमरान ने जवाब दिया ऐश्वर्या। ये एपिसोड जब टेलीकास्ट हुआ, इमरान की खटिया खड़ी हो गई। हर तरफ उनकी बहुत आलोचना हुई। हालांकि इमरान हाशमी ने आगे चलकर इस बात को साफ किया कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया। वो ऐश्वर्या और उनके काम का काफी सम्मान करते हैं। उस शो के फॉर्मेट में ही कुछ ऐसा था, कुछ लोगों ने उस बात को बड़ा बना दिया। लेकिन इसके बावजूद इमरान को बहुत ट्रोल किया गया। आज भी उस जवाब की वजह से इमरान की किरकिरी होती है। हालांकि उस एपिसोड के बाद इमरान कभी कॉफी विद करण में नहीं गए। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।